गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू स्पोकन इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू अगेन कंडीशनल सेंटेंसेस। सो अंडर दिस हेडिंग आई एम गोइंग टू जस्ट डिस्कस डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस कंडीशंस। लास्ट प्रीवियस लेक्चर वी हैड ए स्ट्रक्चर ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। इन दिस लेक्चर वी विल शो यू how we can express conditional sentences in a different way by means of conjunctions, subordinating conjunctions. So let's look at it. So for example, let me see that the one sentence: if you work hard, you can succeed. इसका सीधे सीधे मतलब होता है, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तुम सफल हो सकते हो। दिस इज द सेंटेंस, और ये कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि यदि आप ये करोगे तो ये होगा, दैट मीन्स इट इज ए कंडीशनल सेंटेंस। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, If you work hard, you can succeed. ये एक सेंटेंस है। अब आपको हम बताते हैं कि इस एक सेंटेंस को किस तरह से 10 तरह से हम बोल सकते हैं। You can express yourself in at least 10 different ways. तो let us see. This is possible through the conjunction. That we have coordinating conjunction and subordinating conjunction. We are using here subordinating conjunction. So one thing you take care that I am using this subordinating conjunction. Unless you work hard, you cannot succeed. इसके जगह पर हम unless का प्रयोग करते हैं. Unless you work hard. You cannot succeed. अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो आप सफल नहीं हो सकते हो। That is another way of saying this sentence. If you work hard, you can succeed. Unless हमने use किया है, unless you work hard, you cannot succeed. तो अनलेस होगा तो हम इसको निगेटिव में बदल देते हैं। दूसरा सेंटेंस, दूसरे तरह से हम जो इसको कह सकते हैं वो ये इस तरह से कह सकते हैं, प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, You can succeed, provided you work hard. You can succeed. आप सफल हो सकते हैं बशर्ते कि आप कठिन परिश्रम करें। तो provided मतलब होता है बशर्ते, provided you वर्क हार्ड यू कैन सक्सीड। इस तरह से भी कह सकते हैं, कठिन परिश्रम जो करता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब होता है कठिन परिश्रम करने वाला, इंडस्ट्रियस। लेट अस लुक एट दिस वर्ड, नोट डाउन, इंडस्ट्रियस इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करने वाला। तो इसको यूज करके बना सकते हैं, जैसे बी इंडस्ट्रियस एंड यू कैन सक्सीड। अगर इसको ऐसे कह सकते हैं, बी इंडस्ट्रियस, इसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे, बी इंडस्ट्रियस एंड यू कैन सक्सीड, एंड यू कैन सक्सीड।
इंडस्ट्रियस, कठिन परिश्रम करने वाले बनो, तुम सफल हो सकते हो। तो ये इसको दूसरे तरह से ऐसे कहा जा सकता है। फिर अगर इसको एक और, शुड यू बी इंडस्ट्रियस, शुड का प्रयोग यहाँ, शुड का मतलब यहाँ होगा यदि। तो अगर शुड का प्रयोग हम शुरू में करें तो इसका मतलब होता है यदि। शुड यू, शुड यू मतलब यदि, इफ, शुड यू बी इंडस्ट्रियस, शुड यू बी इंडस्ट्रियस, यू कह रहा था, शुड यू बी इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, यू कैन वर्क हार्ड, यू कैन वर्क हार्ड। अगर आप कठिन परिश्रम करने वाले हो तो आप सफल हो सकते हो। ये इस तरह से बनाया जा सकता है। एक तरह से और बनाते हैं, सपोजिंग दैट यू वर्क हार्ड। सपोजिंग से शुरू कीजिए। अगर मान लिया आप कठिन परिश्रम करते हैं, सपोजिंग यू वर्क हार्ड, यू कैन सक्सीड, आप सफल होंगे। तो सपोजिंग यू वर्क हार्ड से भी आप बना सकते हो एक सेंटेंस, सपोजिंग यू वर्क हार्ड, सपोजिंग यू वर्क हार्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो, मान लिया कि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू तो क्या होगा, सपोजिंग यू वर्क हार्ड, यू कैन सक्सीड, यू कैन सक्सीड, आप सफल होंगे, सफल। तो ऐसे बनाया जा सकता। और फिर इसके बाद जो है और आगे चलते हैं, इन केस, इन केस का भी प्रयोग करते हैं। जैसे जहाँ पर यदि का प्रयोग करते हैं वहाँ पर इन केस का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अगर कहें कि इन केस का कहाँ प्रयोग होता है, तो अगर कोई छोटा कोई सेंटेंस कहें बनाने के लिए, तो कैरी, कैरी एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब क्या होता है, छाता। कैरी एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, इन केस इट रेन्स, ऐसी स्थिति में जब पानी बरसता है तो आप छाता लीजिए। कैरी एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, कैरी एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, ऐसे बना सकते हैं। एक सेंटेंस ऐसे भी होता है, इसका मतलब इफ से ही शुरू, इफ से भी इसको इफ में भी चेंज कर सकते हो। इफ इट रेन्स यू कैरी एन अम्ब्रेला, If it rains, you can carry an umbrella, ऐसे ही बना सकते हो। और आगे चलते हैं, speak or you will die, speak or you will die का क्या मतलब होगा, तुम समझ रहे हो? तो थोड़ा बता, एक सेंटेंस, speak you will die, speak you will die। जैसे अगर हम कहें कि एक थप्पड़ मारो, स्लैप मी, जैसे स्पीक और यू विल डाई, डॉक्टर कोई है, आपकी आवाज़ निकल नहीं रही, आपको क्या परेशानी है, डॉक्टर पूछना चाह रहा है कि बताओ तुमको क्या परेशानी है, क्या परेशानी, आप बोल नहीं रहे, तो वो कहेगा स्पीक और यू विल डाई, बोलो नहीं तुम मर जाओ, तुमको क्या प्रॉब्लम है, यू एक्सप्रेस योर सेल्फ अदरवाइज विल डाई। तो इसको इफ से भी बनाया जा सकता है, इफ यू स्पीक यू विल नॉट डाई, निगेटिव में बनाएंगे, इफ यू स्पीक यू विल नॉट डाई, या स्पीक आर यू विल डाई। तो ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, इफ यू डू नॉट स्पीक यू विल डाई। तो टच मी एंड आई विल स्लैप यू, जैसे कहती
टच में, टच छू करके देखो, आई विल स्लैप यू, तो टच मी आई विल स्लैप यू ऐसे, तो इफ यू टच मी आई विल स्लैप यू, तो एक तरह से ऐसे भी बनता। और एक तरह से और बनाते हैं, मूव आर यू विल बी डेड मैन, मूव आर यू विल बी डेड मैन, यू विल बी ए डेड मैन, मूव आर यू विल बी डेड मैन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि चलो हरकत करो नहीं तो तुमको मार देंगे, या तू यू विल बी डेड मैन का मतलब तुम मरे पाए जाओगे। तो इफ यू डू नॉट मूव, अब इसका होगा अगर तुम नहीं मूव करते हो, यू विल बी डेड मैन, यू विल बी अलाइव एंड मूव यू विल बी ए डेड मैन, अगर हिले तो तुरंत गोली मार देंगे, हिले तो तुरंत गोली मार देंगे। इसको इस तरह से जो कहते हैं कि फिल्म में स्टैंड एंड डिलीवर, फिल्म में कहता स्टैंड एंड डिलीवर, क्या मतलब हुआ कि चुपचाप स्टैचू की तरह खड़े हो और जो तुम्हारे पास है निकाल कर रख दो, स्टैंड एंड डिलीवर। और कहता मूव आर यू विल बी डेड मैन, अगर मूव किए हिले डुले तो तुरंत गोली मार दूंगा। तो दिस इज व्हाट यू गेट इन फिल्म में ऐसे ही विलेन करता था, जो खलनायक होता है यही डायलॉग बोलता है, मूव आर यू विल बी ए डेड मैन। तो गाइस ये आपको कुछ एक्सप्रेशन हमने दिए, ये बताया कि कंडीशनल सेंटेंसेस को हम कितनी तरह से बोल सकते हैं। तो हमने करीब 10-12 तरीके से बताया कि एक सेंटेंस को हम 10 या 12 तरीके से बोल सकते हैं। कल मैंने बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, आज हमने बताया कि डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस कंडीशन को किस तरह से कई ढंग से बताया जा सकता है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, सो वी सी यू टुमारो विथ अ न्यू चैप्टर, थैंक यू वेरी मच।